हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग स्ट्रक्चर की कोडिंग को और आगे बढ़ाएंगे और यहाँ पे देखते हैं कि किस तरह से हम दो टाइम को ऐड करेंगे। तो टाइम में तीन एलिमेंट्स हम मानते हैं, एक आवर का एलिमेंट, एक मिनट का एलिमेंट और एक सेकंड का एलिमेंट। और उसके बाद हमें दो टाइम को अगर ऐड करना है तो हम सेकेंड के साथ सेकेंड वाले को ऐड करेंगे, फिर आवर के साथ आवर वाले को ऐड करेंगे और मिनट के साथ मिनट वाले को ऐड करेंगे। तो हम काम करते हैं कि टाइम का एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं और इसके बाद इसमें तीन एलिमेंट्स मान लेते हैं, एक है आवर का पार्ट, एक है मिनट का पार्ट और एक है सेकंड्स का पार्ट। फिर इसके बाद मेन में तीन टाइम्स को इनिशियलाइज करते हैं, एक तीन टाइम को डिक्लेयर करते हैं, एक है T1, एक है T2 और आंसर को हम T3 में स्टोर करेंगे। फिर इसमें हमने T1 को इनिशियलाइज कर दिया, मान लीजिए किसी टाइम से, लेट से 11 आवर्स 44 मिनट्स एंड 23 सेकंड। पहला टाइम हमारा ये है। दूसरा टाइम हमारा मान लेते हैं 43 आवर्स एंड 32 मिनट्स एंड लेट्स से 58 सेकंड्स। तो इन्हीं दोनों टाइम्स को मुझे ऐड करना है। हमने इनिशियलाइजेशन कर लिया है T1 और T2 का और इन्हीं तीनों को हम ऐड करेंगे। तो ऐड करने के लिए हम सबसे पहले कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर कर लेते हैं। लेट्स से हमने एक्स, वाई और जेड तीन वेरिएबल्स हमने डिक्लेयर कर लिए। तो आपको पता है कि पहले आप सेकेंड्स वाले पार्ट को ऐड करेंगे। तो मान लीजिए कि एक्स में हम सेकेंड को स्टोर करेंगे, तो T1 के सेकेंड्स को हम ऐड करेंगे T2 के सेकेंड के साथ। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो केस है उसमें 23 ऐड होगा 58 के साथ। जब 23 58 के साथ ऐड होगा तो यह 60 को क्रॉस कर जाएगा, लेकिन हम सेकेंड्स को केवल 59 सेकेंड्स तक ही लिख सकते हैं, 0 सेकेंड से लेके 59 सेकेंड्स तक। तो इसको लिमिट में लाने के लिए 0 से 60 के बीच में जो भी हमने सेकेंड्स फाइंड किए हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल इसमें 81 सेकेंड आया, तो 81 सेकेंड जो भी हमने ऑप्टेन किया इसको डिवाइडेड बाई 60 करके मिनट वाला पार्ट अलग कर लेते हैं। ये इंटीजर बाय इंटीजर डिविजन से इसका मिनट वाला पार्ट मिल जाएगा, वो होगा 1। और उसके बाद फिर 81 को मॉड्यूलस विद 60 कर देंगे तो सेकेंड वाला पार्ट मुझे मिल जाएगा एंड सेकेंड वाला पार्ट हमारा होगा 21। तो जो भी हमें एक्स वैल्यू मिली है इस एक्स में से हम दो पार्ट अलग कर लेते हैं, एक मिनट वाला पार्ट एंड देन उसके बाद हम सेकेंड वाला पार्ट अलग कर लेंगे। तो मिनट वाले पार्ट के लिए मान लीजिए कि हमने एक वाई वेरिएबल लिया और इसमें से जो हमने एक्स फाइंड किया मतलब सेकेंड्स को ऐड करके उसको डिवाइडेड बाई 60 कर देते हैं, तो इंटीजर बाई इंटीजर डिविजन से जो भी पार्ट मिनट की तरफ जाना चाहिए वो हमें मिल गया। इसके बाद एक्स को फिर से अपडेट करते हैं जो सेकेंड वाला हमारा पार्ट है, और सेकेंड वाला पार्ट हमारा है करंट एक्स की वैल्यू मॉडुलस 60। इससे मुझे सेकेंड का पार्ट मिल गया। जैसे हमने यहाँ पे एक काम किया है वैसे ही हम काम करते हैं मिनट के लिए, मिनट वाले पार्ट को ऐड करने के लिए। एक काम करते हैं कि हम एक्स वाई जेड तो हमने डिक्लेयर किया ही है, इसके साथ में एक कैरी डिक्लेयर कर लेते हैं। और कैरी क्या है कि सेकंड्स को ऐड करने से कैरी मिनट की तरफ जाएगी, सिमिलरली मिनट्स को ऐड करने से जो कैरी होगी वो आवर की तरफ जाएगी। तो कैरी को हम 0 से इनिशियलाइज कर लेते हैं और एक जनरल फार्मूला बना लेते हैं कि हम सेकंड्स को सेकंड्स के साथ ऐड कर रहे हैं विद कैरी, एंड देन उसके बाद मिनट के लिए जो हमें कैरी मिलेगा उसको हम सी में स्टोर कर दे रहे हैं, वाई की जगह हमने सी में स्टोर कर दिया। तो अब हम क्या करेंगे कि वाई में फाइंड करेंगे T1 के मिनट को, ऐड करेंगे T2 के मिनट के साथ और इसमें कैरी को ऐड कर देंगे। तो प्रीवियस कैरी अगर जनरेट हुई, जैसे इस केस में 1 जनरेट हुई है, तो वाई के साथ ऐड हो जाएगी। और उसके बाद फिर हम इसमें से फिर से कैरी वाला पार्ट एक्सट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि 60 मिनट्स का एक एक आवर होता है। तो हमने क्या किया कि जो वाई हमारा एलिमेंट आया है उसको डिवाइडेड बाई 60 करेंगे तो आवर वाला पार्ट आ जाएगा, आवर के लिए कैरी, और इसमें से हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं मिनट वाला पार्ट। जैसे कि यहाँ पे 44 प्लस 32 जब ऐड होंगे तो 76 आया, लेकिन एक प्रीवियस कैरी भी आई हुई है वो है 1। फिर से देख लेते हैं इसको, 44 पहले से मेरा मिनट था, 32 दूसरे वाले का मिनट था, प्रीवियस कैरी 1 आई हुई है, तो इसका जो सम है वो 77 है। और ये जो 77 है ये 77 मिनट वाले पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन मिनट 60 से 59 से ज्यादा रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता।
तो हम इसका डिविजन विथ 60 एंड मॉडुलस विथ 60 से पहले आवर वाला पार्ट निकाल लेते हैं, तो 1 आवर निकलेगा इसमें से और 17 मिनट्स निकलेंगे। तो सबसे पहले हमने सी में आवर वाला पार्ट को अलग कर लिया है, अब हम मिनट वाले पार्ट को इसमें से अलग करना चाहते हैं। सो वाई इज इक्वल्स टू वाई मॉड 60, इससे मिनट वाला पार्ट अलग हो गया। अब हम क्या करते हैं कि एक जेड फाइंड करते हैं जो आवर्स को ऐड करेगा। सो टी वन डॉट आवर प्लस टी टू डॉट आवर विद कैरी, क्योंकि हमारा एडिशन कैरी के साथ होगा क्योंकि मिनट वाले पार्ट्स हो सकता है कुछ आवर में हमें मिल रहा हो। फाइन, तो जेड हमने ऑप्टेन कर लिया, तो हमारे पास टाइम मिल गया है। अब हम क्या करते हैं कि इसको स्टोर करते हैं। सो टी वन डॉट सेकेंड, टी वन डॉट आवर में हम जेड को स्टोर कर लेते हैं, टी थ्री डॉट आवर में, टी थ्री हमारा आंसर है, टी थ्री डॉट मिनट में हम वाई को स्टोर कर लेते हैं और टी थ्री डॉट सेकेंड में एक्स को स्टोर कर लेते हैं। इसके बाद हम प्रिंटिंग करते हैं। तो प्रिंटिंग हम करने जा रहे हैं, हमारे पास तीन चीजें हैं, आवर, मिनट और सेकेंड, तीनों इंटीजर टाइप के हैं। यूजुअली जो टाइम डिस्प्ले होता है वो डबल कोलन के साथ होता है, तो हमने यहाँ पे भी डबल कोलन लगा दिया। तो हम क्या प्रिंट कर रहे हैं, टी थ्री का आवर, टी थ्री का मिनट और टी थ्री का सेकेंड। रन करके देखते हैं इसको। फाइन, यहां पे हमने टाइम नहीं लिखा था, टाइम आप लिख लीजिए, ये हमारे कमेंट लाइन की तरह से रख देते हैं क्योंकि हमारे ये एग्जांपल्स थे, इसको समझने के लिए केवल हमने ये लाइनें लिखी थी। तो आप देख सकते हैं कि 55 आवर्स 17 मिनट्स एंड 21 सेकंड, ये हमारा आंसर आया। तो यहां पे हमने जो टाइम माना उसको इनिशियलाइज कर लिया था। हम ऐसा भी कर सकते हैं कि इन टी वन और टी टू की जो वैल्यूज हैं वो यूजर से ही पूछ लें। तो ऐसा करने के लिए हम एक मैसेज प्रिंट कर देते हैं, प्रिंट एफ एंटर द टाइम वन, और टाइम वन को प्रिंट स्कैन कराने के लिए या इनपुट लेने के लिए तीन इंटीजर डेटा आइटम्स मुझे इनपुट लेना है, इसलिए परसेंटाइल डी परसेंटाइल डी परसेंटाइल डी एंड देन एम्परसेंड टी वन डॉट आवर टी वन डॉट मिनट एंड टी वन डॉट सेकेंड, तीनों में एम्परसेंड लगेगा। आपको पता होगा कि आप क्यों एम्परसेंड का यूज करते हैं, आई डू नॉट नीड टू एक्सप्लेन इट हियर। तो हमने पहला टाइम इनपुट करा लिया, ऐसे ही आप दूसरा टाइम भी इनपुट करा लीजिए, एंटर टाइम टू, तो यहाँ पे टी टू डॉट आवर टी टू डॉट मिनट एंड टी टू डॉट सेकेंड। फाइन, रन करके देखते हैं इसको। तो मान लीजिए कि पहला जो टाइम है वो 22 आवर्स 43 मिनट एंड 51 सेकेंड्स है, टाइम टू जो है वो है 12 आवर्स 33 मिनट्स एंड 53 सेकेंड्स है। तो आप देख सकते हैं कि इन दोनों को जो आपने ऐड किया तो 53 प्लस 51 को ऐड करेंगे तो 104 आएगा, 104 में से 44 सेकेंड्स एक्सट्रैक्ट कर लेंगे और एक मिनट के लिए पास कर देंगे, फिर 43 प्लस 33 मिनट्स आपके पास हैं, ये आया 76 और प्लस एक कैरी आई है सेकेंड से 77 हो गया, 77 में से 17 मिनट निकाल लिया आपने, एक को आपने आवर के लिए भेज दिया, फिर 22 प्लस 12 34 हुआ और प्लस पीछे से कैरी आ रही है 35 हो गया, तो 35 आवर्स 17 मिनट्स एंड 44 सेकेंड्स ये आपका आंसर हो गया। तो आई होप आपके ये समझ में आया होगा, और नेक्स्ट लेक्चर्स में हम लोग और क्वेश्चंस लेंगे स्ट्रक्चर से रिलेटेड, थोड़ी डिफिकल्टी लेवल को इंक्रीज करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।